अलैकुम मासूम वारागत का सलाम कबूल कीजिए। अभी जैसा कि पिछला व्लॉग हमने कवर किया, मैंने वो उशू का था। अभी जो सफ़र है वो मटल तांग की तरफ जा रही है। अभी मटल तांग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मुझे एक समझ लें कि ये एक आबशार भी है वो नज़र आ रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सांप की तरह रींगती हुई नज़र आ रही है, वो आपको दिखाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना वो इस व्लॉग को भी इंजॉय करेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ये देखेंगे, ये है वो किस्म की आबशार, ये वो वहाँ पर जा रही है, सीधी ब्रह सवास में जाके दिखती है। ये काफ़ी नाला भी कह सकते हैं, आबशार भी है, ये वादी है। यहाँ पे ये इन्होंने हल चलाया हुआ है खेती बाड़ी करने के लिए। ये मेरे सामने आप अखरोट का दरख्त देख रहे हैं, ये सारे अखरोट लगे हुए हैं। देखिए फुल जो है ना वो अपने जोबन पे है। अभी एक दो माह गुजरेंगे तो ये अखरोट पक जाएंगे और आप इनको सड़क पे गिरा हुआ पाएंगे और आप देखेंगे कि ये तो बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए नीचे वादी, खूबसूरत वादी। ये देखें वही जो मैं कह रहा था आबशार आ रही है, ये है वो आबशार। ये आप देखिए जा सका तो आपको बताऊंगा। ये रेस्टोरेंट है, ये देखिए
इसको एक छोटा शहर ही कहूँगा, सही कहा गया, दिल्ली भी बताया गया था, बाकायदा शहर आबाद है, बहुत कुछ बहुत कुछ। किराए के लिए खाली है, ये देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे होटल है, होटल मौजूद है, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। कितना आबाद है, बहुत ज़्यादा आबाद है, बहुत ज़्यादा घर है, बेहतरीन पे करके हैं, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उनके सामने से बड़ा साफ सुथरा जो है ना वो दरिया बह रहा है, कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा सकूँ। उसके बाद जो आगे अंदर ग्लेशियर आता है, वो ग्लेशियर भी देखेंगे वहाँ पर बर्फ़ है या नहीं है, ग्लेशियर निकल गया खत्म हो गया जितना होगा, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। तो अभी जो है ये चेक पोस्ट में पाकिस्तान की आगे ख़त्म हो गया, बड़े अब जो है ये जो ब्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और मासूम वारागत के इस चैनल का भी अल्लाह ने कहा।